वोकल करबो का थोड़ा आई एग्री इट्स अ गुड थिंग बिफोर योर लास्ट वीक आई प्रॉमिस यू वी विल अचीव वी विल अचीव इट इज एनफ फॉर मी हां लेट्स सी पीपल विल रिमेंबर बोथ यू एंड मी फॉर अचीविंग द गोल दे विल रिमेंबर अस नॉट एज मिनिस्टर नॉट एज पॉलिटिशियन बट फॉर अचीविंग यू डोंट वरी यू जस्ट रिमेंबर उनका तबीयत ठीक थी मैंने मीडिया में सुना था और कल भी मेरे सीएम पूर्णचंद्र जमतिया निमेश के पद में सब आए थे। आज मुझे लगा कि मैं भी आता हूँ उनसे एक बार मिलूँ। उनका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सीनियर लीडर है तो अक्रॉस पार्टी लाइक्स आकर उनसे एक बार उनका हालचाल पूछने के लिए मैं आया हूँ। उनका तबीयत ठीक है, ही इज रिकवरिंग वेल और मैं आशा करता हूँ कि थोड़े दिन के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर निकले। डॉक्टर के साथ की बातचीत हुआ क्या हुआ था? उनके ग्रैंडसन थे, उनके ग्रैंडडॉटर थे। आई नो हिज ग्रैंडसन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप ही है उनके साथ। तो मैंने उनसे बात की, इज ओके, ही इज अ शुगर पेशेंट ऑल्सो, डिहाइड्रेशन था, ठीक हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट उनको कुछ चिंता, कब तक घर ले जाएगा वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, बहुत सीनियर लीडर्स हमारे आज मत में नहीं है, तो कभी कोई भी सीनियर लीडर को कुछ भी हो तो हमें सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आना चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल। अभी स्टेबल है, अभी स्टेबल है, एकदम स्टेबल है। देखिए मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि पर्सनल रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन करना चाहिए और मैंने ये कभी नहीं किया है कि मैंने किसी से पर्सनली दुश्मनी की। कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो एक कर्तव्य बनता है हमारा कि दूसरे को सहायता करे, नॉट ओनली लीडर्स बट कोई भी और। मैं इसके लिए इसमें पॉलिटिक्स को लाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ का पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाए और उनसे भी हम बहुत चीज सीख सकते हैं इसके लिए। मगर अभी उम्र कितना है? ही इज अराउंड 85-86, सो ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, ही इज माई फादर्स एज। अगर मेरे स्वर्गीय महाराज जिंदा होते वो भी आज यही लगभग महाराजा बोला 88, इज 86, मतलब कि लगभग एक ही बात। कल जो बैठक हुआ था इसके साथ बातचीत हुआ क्या? नहीं देखिए, कल का जो मीटिंग था मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको ज्वाइंट कमेटी करना है फॉर तिपरा लैंड स्टेट और ग्रेटर तिपरा लैंड, पहले आईपीएफटी को स्वीकार करना पड़ेगा कि दे एक्सेप्ट अ डिमांड ऑफ ग्रेटर तिपरा लैंड। मैं उनका डिमांड को सपोर्ट करता हूँ, उनको भी मेरा डिमांड को ओपनली सपोर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड चीज है, मैंने कहा है कि हमको क्लैरिटी चाहिए कि ये डिमांड जब तक कोई नेशनल पार्टी हमें राइटिंग में ना दे हम उनके संग अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट हमारे लोगों के साथ है और हम धोखा नहीं देना चाहते हमारे जनजाति लोगों को, उत्तरी भाषा लोगों को जो अभी गांव में है और उनके ऊपर हमारा आशा है। तो मैंने कहा है कि हम कोई भी चीज विदाउट राइटिंग में, विदाउट ब्लैक एंड व्हाइट में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 2023 में जो चुनाव होगा कि अकेले लड़ेगा तिपरा में, अगर कोई ने मेरा बात नहीं माना तो मैं अकेला लड़ूंगा। और अगर जितना होता है लड़ेंगे, 35 सीटें लड़ेंगे, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज पैसे के लिए, पोस्ट के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे संग आना चाहता है उनको हमें हमारा मुद्दा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके संग आना चाहता है। एक ह्यूमर उठा तो तृणमूल के साथ अब एक साथ लड़ेगा, तृणमूल अगर हमें राइटिंग में देता है तो। लेकिन तृणमूल से आज तक मेरा कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है, बात भी नहीं हुआ है। जो भी आए हैं, मेरा सुष्मिता के संग व्यक्तिगत तौर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई अलायंस के बारे में बात किया है। अगर मेरा जो डिमांड है उसमें अगर आदमी आकर राइटिंग में हमें दे तभी हम बात करेंगे, वरना सवाल नहीं बनता। आई डोंट वॉन्ट टू पुल द पीपल ऑफ त्रिपुरा, मैं त्रिपुरा के लोगों को झूठ बोलकर राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता हूँ। जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देने के लिए बात करेगा हम बात करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम अलायंस नहीं करेंगे। थैंक यू।